नमस्कार, मेरा नाम है शुभम। मेरा नाम है पलक और आ गए आपके लिए लेकर एक नया रिएक्शन वीडियो होने वाला है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी का। ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम रोजाना ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो चलिए बस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, अगला सवाल करें जी। अच्छा जी अली भाई, दूसरा सवाल जो है, अगला सवाल वो बेसिकली कलमे से रिलेटेड है। जैसे हमें पता है कि हमारा कलमा तो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, इस पे जो है मुझे ये बताएं कि शियाओं पे बेसिकली, अब ये भी कंफर्म करें कि ये उन पे एक बेसिकली इल्ज़ाम है या वो है कि उन्होंने कलमे में इजाफा किया। एक तो सबसे पहले किया है कि ये बात सही है, दूसरा ये कि क्या उन्होंने क्या इजाफा किया, एक तो ये हो गया। अच्छा, इसी तरह जो है बरेलियों ने आपको पता है कि कुछ अजान के से पहले सलातुसलाम और उसको स्पीकर पे करते हैं, बेसिकली स्पीकर के अंदर उसको करते हैं, तो उससे ये लगता है कि वो एक अजान का पार्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गैर मुस्लिम अगर ये सुने तो उसको वो तो यही समझेगा। इसके बारे में आज इस पर मेरा मौकिफ ये है मेरे भाइयों के, पहली बात तो ये है कि ये जो इजाफा है ये सब ने किया हुआ है। दीन में जो अच्छी चीज़ का इजाफा है वो तो ना कुफर है ना शिर्क है, ज़्यादा से ज़्यादा बिदअत है। अजान के साथ दुरूद का जो इजाफा उन्होंने किया है, वो कहते हैं जी हम पहले दुरूद पढ़ते हैं फिर वक्फा करते हैं फिर अजान देते हैं, इजाफा नहीं किया हुआ, थोड़ा सा वक्फा रखा हुआ है लेकिन अटैच तो उसको कर दिया ना। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जो अजान का जवाब दे उसके बाद दुरूद पढ़े और अलवसीला वाली दुआ अल्लाह से मांगे मेरी शफात उसके लिए हलाल हो जाएगी, बाद में तो दुरूद जरूर पढ़े, ठीक है। पहले वाला जो दुरूद है वो अजान के साथ इस तरीके से जोड़ के, तो इसकी मुखालफत तो खुद गुलाम सूद सईदी रहिमहुल्लाह ताला, जो पाकिस्तान लेवल के मुहद्दिस थे बरेलवियों के और इल्मी एतबार से मेरे उस्ताद भी हैं, उन्होंने तो बाकायदा खुद इसके खिलाफ लिखा है और उन्होंने बड़ा यानी सख्त अल्फाज में लिखा है शरह सही मुस्लिम में कि हज़रत बिलाल हमसे ज़्यादा अशके रसूल थे, वो अजान से पहले वक्फा करके दुरूद नहीं पढ़ा करते थे। तो आपने एक चीज़ यानी ऐड की और उनकी मस्जिद में अजान से पहले दुरूद नहीं होता था, अजान के बाद पढ़वाते थे, वो भी कहते थे 4-5 दिन के बाद एक अजान के बाद, रूटीन नहीं बनाई थी, वो कहते हैं मना किया हुआ कि रूटीन नहीं बनानी है, इसको कोई हिस्सा ना समझ ले, और 5-4-5 दिन के बाद इसलिए कि हम पे को वाबी होने का फतवा ना लगा दे। ज़ाहिर है दोनों तरफ बैलेंस रखनी पड़ती है ना, क्या करें आप किस मुआशरे में रह रहे हैं। पता उनको भी था, उन्होंने लिख दी है ये बात शरह सही मुस्लिम के अंदर। तो इसी तरीके से जो कलिमा है, कलिमा तो शिया सुन्नी का एक ही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, या ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 6 कलमों के ऊपर भी मेरा क्लिप है, 4 कलमे साबित हैं पहले अजगार के तौर पे, तो आप लिख दें 6 कलमों का सबूत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, तो निकल आएगा वो क्लिप। बाकी जो शहादत सलासा इसे कहते हैं, तीसरी शहादत यानी अशहदु अन्न अली वलीयुल्लाह, के हम गवाही देते हैं कि अली जो है वो अल्लाह के वली है। हमें इस जुमले से तो कोई इख्तलाफ नहीं है, मैं भी गवाही देता हूँ कि अली भी अल्लाह के वली हैं, अबू बकर भी अल्लाह के वली हैं, उमर भी अल्लाह के वली हैं, उस्मान भी अल्लाह के वली हैं रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। लेकिन इसको कलमे के साथ ऐड कर देना ये बिदत है और ये खुद शिया उलमा ने इस पे बिदत का फतवा लगाया हुआ है। इसीलिए शिया अब तक जो नमाज पढ़ रहे हैं ना, अल्लाह के फजल से नमाज में शहादत सलासा कोई नहीं है, नमाज में वो मोहम्मद अब्दुल रसूलों पर रुक जाते हैं। जब भी कोई शिया मिले उसको को नमाज बताओ अपनी किताबों से दिखाओ और खुद क्या पढ़ते हो, उसमें अली वलीउल्लाह क्यों नहीं पढ़ते हो। अजान में तो एडिशन कर ली, वो तो अहले सुन्नत में भी बरेलवियों ने दुरूद शरीफ के हवाले से एक वो एडिशन वाला मामला कर दिया, और इस तरीके से देवबंद अहले हदीस ने भी एडिशन की हुई है, वो भी जुम्मे के खुतबों में खुलफाए राशिदीन के नाम लेते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं 4 खुलफा के नाम लिए, आपने क्यों लेने थे, वो तो बाद में माने हैं। तो वो जब आप शिया से बात करेंगे वो कहते हैं आप भी जनाब ये जो हज़रत अबू बकर के लिए, उमर के लिए, उस्मान के लिए, अली के लिए, चारों के नाम लेके हदीसें बयान करते हैं, तो ये नबी अलैहि सलाम के खुतबे में बयान करते थे, तो हम कहते हैं नहीं करते थे, वो तो किसी एक मौके पे हदीस बयान की थी। तो वो कहते हैं आपने भी तो ये एडिशन की हुई है, ये वही बात है कि बेटा तू क्यों फेल हुआ, अब अभी तुम्हारे दोस्त का मुंडा भी फेल हो गया, आपके दोस्त का बेटा भी फेल हो गया। मैं तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा रिएक्ट आपको कैसा लगा। जल्दी मिलेंगे जी, नमस्कार।